फ्रंट पार्ट में हमने 10 नंबर की सिलाई पे 100 फंदे डाले थे। ये डिजाइन 18 के मल्टीपल फंदों में है और हमने 7 डिजाइन डाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 126 फंदे हुए। तो 100 के बाद हमने यहाँ पे 26 फंदे बढ़ाए हैं डिजाइन को बैलेंस करने के लिए, हमने 26 फंदे बढ़ा लिए। और बैक पार्ट को हमने जब 20.5 इंच हो गया तब शोल्डर की कटिंग की थी, अब फ्रंट पार्ट जो है वो हमारा 19.5 इंच हो चुका है, यानी बैक पार्ट से 1 इंच ये कम है। 19.5 इंच पे हम नेक की कटिंग करेंगे, यानी हम शोल्डर से 1 इंच कम पे इसकी कटिंग नेक कटिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिलाई पे 126 फंदे हैं, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 63 फंदे एक साइड में हुए और 63 फंदे एक साइड में हुए। ये हमने 2 पार्ट में इसे कर लिया है, इधर 63 फंदे हैं और इधर भी 63 फंदे हैं, यानी हमारे पास इवन नंबर में फंदे हैं। और वी नेक बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में फंदे चाहिए, यानी एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए जो गले की बॉर्डर का चोटी बनेगा। तो 63 फंदे इधर हैं, 63 फंदे इधर हैं, यानी हमें एक फंदा घटाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 62 फंदे इधर रहने देंगे और ये फंदा हमारा 63 फंदा है, तो हम इसे लेंगे 63 फंदा और 64, 63वां और 64वां दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब ये जो फंदा है ये हमारा चोटी का फंदा हो जाएगा, इसे हम किसी सेफ्टी पिन में या फिर ऊन में हम इसे कर लेंगे ताकि ये गिरे नहीं। अब हम यहाँ पे दूसरा वूल अटैच करेंगे और अपने पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो हमने सभी फंदे बुन लिए, रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा है उसे सीधा, जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदे को बुन लिया, लास्ट फंदा हमने छोड़ दिया है। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और फिर ऊन को दूसरी तरफ करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया, हम लगातार 5 फंदे घटाएंगे, गले पे हम घटा रहे हैं, लगातार 5 फंदे हम घटाएंगे, यानी हर सीधी सिलाई में 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। बाकी फंदों को हम पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड में हम हमेशा सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, लास्ट फंदे को हमने स्लिप कर लिया था, तो अब लास्ट फंदा और उसके आगे वाला एक फंदा, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए हम 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ हमने दूसरा फंदा घटा दिया, अब शेष फंदों को हम पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं,
तो ये स्लिप किए हुए फंदे को और अगले फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तीसरा फंदा भी घटा दिया, शेष फंदों को हम पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए लास्ट में पहुँचेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी लंबाई 20.5 इंच हो गई, यानी कि अब हमें मुड्ढे की कटिंग करनी होगी। तो मुड्ढे की कटिंग करने के लिए हम 5 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए। बाकी फंदों को सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर गले के पास आ गए हैं, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चौथा फंदा घटा दिया, शेष फंदों को पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर मुड्ढे के पास आ गए हैं। तो पिछली लाइन में हमने 5 फंदे घटाए थे, इस लाइन में हम 4 फंदे घटाएंगे, 2-2 फंदों को लेते जाएंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। तो ये तीसरा फंदा हुआ और ये चौथा। तो हमने 5 फंदे घटाए, फिर 4 फंदे घटाए, बाकी फंदों को हम पैटर्न के मुताबिक सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए गले के पास पहुंचेंगे। तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम गले के पास पहुंच गए हैं। तो अब हमें ये 5वां फंदा घटाना है। 4 फंदे हम घटा चुके हैं और ये हमारा 5वां फंदा है। तो हमने 10 सिलाई में लगातार 5 फंदे घटाए हैं, हर सीधी सिलाई में गले के पास 1 फंदा घटाया है। बाकी फंदों को हम पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए मुड्ढे के पास आ गए हैं। तो लास्ट फंदे को ऐसे हम स्लिप कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, पिछली बार हमने 5 फंदों को घटाया, फिर 4 फंदों को, और इस लाइन में हम 3 फंदों को घटाएंगे। एक, दो और 3। फिर हम पैटर्न के सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए गले के पास पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को बुन लिया, अब हम गले के पास पहुंचे हैं। तो हमने 5 सीधी लाइन में लगातार 5 फंदे घटाए थे और ये हमारा डिक्रीजिंग के बाद ये 11वां लाइन है। तो इस लाइन में हम फंदे नहीं घटाएंगे, इस लाइन में हम बस अपने पैटर्न को चालू रखते हुए बुनाई करेंगे, हम फंदे नहीं घटाएंगे। पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए हम मुड्ढे के पास पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर मुड्ढे के पास आ गए हैं। हमने 5 फंदे घटाया, फिर 4 फंदे, फिर 3 फंदे, और इस लाइन में हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 का 1 किया, 1 घट गया, और फिर
इसे बाएं सिलाई में चढ़ाया और दो फंदों को एक साथ लिया और दो का एक किया तो हमने दो फंदे घटा दिए। शेष सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम नेक के पास पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर गले के पास आ गए हैं। तो पिछली लाइन में हमने फंदे नहीं घटाए थे, लेकिन इस लाइन में हम फंदे वापस घटाएंगे, दो का एक कर लेंगे। यानी पांच फंदे हमने लगातार घटाए, फिर एक सीधी सिलाई छोड़ के हम फंदे घटाएंगे। यानी पांचवी सिलाई में गले पे पांचवी सिलाई में फिर फंदे घटाएंगे, और तब तक घटाएंगे जब तक कि कंधे पे 28 फंदे ना रह जाए। अब हम फिर मुड्ढे के पास आ गए हैं, तो हमने पांच फंदे घटाए, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, और अब की हम एक फंदा घटाएंगे। दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बनते हुए दो का एक। तो हमने मुड्ढे पे 15 फंदे घटा दिए, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15 मुड्ढे पे 15 फंदे घट गए। अब शेष फंदों को सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए नेक के पास पहुंचेंगे। अब हम फिर गले के पास पहुंचे हैं। तो पिछली लाइन में हमने फंदे घटाए थे, इसलिए इस लाइन में हमको फंदे घटाना नहीं है। यानी एक सीधी लाइन छोड़ के हम फंदे घटाएंगे। तो हमने 21 फंदे घटा दिए, 15 फंदे मुड्ढे पे और 6 फंदे पांच फंदे लगातार गले पे, और उसके बाद एक सिलाई छोड़ के, यानी 6 फंदे हमने गले पे घटा लिया है। तो टोटल 21 फंदे हमने घटा लिया, 62 फंदे हमारे सिलाई पे थे, 21 फंदे घट गए, यानी कि 41 फंदे इस समय सिलाई पे हैं। और हम तब तक गले के फंदे घटाएंगे जब तक सिलाई पे 28 फंदे ना रह जाए। तो इतना बुन के, यानी 28 फंदे लाने तक हम इसमें घटाएंगे, उसके बाद अपने मुड्ढे की हम लंबाई पूरी करेंगे। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब सिलाई पे 28 फंदे रह गए हैं, और हमने देखिए मुड्ढे की लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब इसे अगर हम नापे तो, अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको ऐसे तिरछा नापते हैं तो ये लगभग 9.5 इंच है, ये 9.5 इंच है। और अगर सीधे में नापे तो जहाँ ये घटना ख़त्म हुआ है, यहाँ पे जहाँ हमने डिक्रीजिंग ख़त्म की है, वहाँ पे ये 8 इंच है। तो ये इतना पर्याप्त है। अब हमने दोनों तरफ के ऐसे ही घटा लिए हैं। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों का हमने घटा लिया है, और अब दोनों पल्ले कंप्लीट हो गए हैं। अब बस इन्हें हमें आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए दोनों फ्रंट पार्ट हम ऐसे, देखिए ये सीधे की तरफ से हमने, ये बैक पार्ट है इसको हमने सीधे की तरफ से रखा है, और इस पर हम फ्रंट पार्ट को ऐसे पलट के रखेंगे। यानी ये देखिए फ्रंट पार्ट जो है हमारा सीधी तरफ जो है वो अंदर की तरफ आया है, ऐसे रखेंगे। तो देखिए दोनों फ्रंट हमारा अंदर की तरफ है। अब हम एक तीसरी सिलाई लेंगे और एक बार एक सिलाई से एक फंदा उतारेंगे तीसरी सिलाई पे, एक बार दूसरी सिलाई से ऐसे, एक बार पहले से, एक बार दूसरे से, एक बार एक से, एक बार दूसरे से, दोनों सिलाइयों से क्रमशः एक एक फंदा हम तीसरी सिलाई पे ले लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है कंधे जोड़ने का, इसमें फंदे गिरने का कोई डर नहीं रहता है। जब हम साथ साथ घटाते जाते हैं, यानी फंदे बाइन करते जाते हैं, तो कभी कभी फंदे गिर जाते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनसे ये गलती अधिकतर हो जाती है। तो इसी को रोकने के लिए, यानी ये गलती ना हो, इसके लिए हम ये
विधि अपनाते हैं तीसरी सिलाई वाला। तीसरी सिलाई पे दोनों सिलाइयों के एक एक फंदे हम उतार लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तीसरी सिलाई पे दोनों फंदे, दोनों पल्लों के फंदे तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए हमारा धागा यहाँ है, तो अब दो दो फंदों को हम लेते जाएंगे, या दो फंदों का एक एक पल्ले से एक दूसरे फंदे से। देखिए यहाँ हमारे दो दो के पेयर में फंदे हैं, तो दो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनेंगे। एक अगले दो फंदों को हम लेंगे उल्टा बुनेंगे। अब जो ये फंदा है पहले वाला, उसको उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ा देंगे। अगला दो फंदा हम लेंगे उल्टा बुनेंगे और इसको हम आगे वाले पे चढ़ा देंगे। दो फंदा एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बनाएंगे और फिर पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ा देंगे। दो लिया, एक उल्टा फंदा बनाया, पीछे वाले को उठाया और आगे वाले पे चढ़ा दिया। तो इसी तरह दो दो फंदे को हम लेते जाएंगे और जब दाहिनी सिलाई पे दो फंदे हो जाएंगे तो पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे। अब देखिए दाहिनी सिलाई पे एक फंदा रह गया। अब नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब दाहिनी सिलाई पे दो फंदे हो गए, तो पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ा देंगे। देखिए हमारे फंदे बाइंड ऑफ होने लगे हैं, दोनों पल्ले देखिए आपस में जुड़ गए हैं। तो इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और धागे को इसके अंदर से निकाल लेंगे और टाइट कर लेंगे। अब ये दोनों धागे हैं, इनको हम आपस में बांध लेंगे। तो ये एक हमारा एक शोल्डर देखिए ये जुड़ गया है। इसी तरह हम दूसरे वाले शोल्डर को भी जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों कंधों को जोड़ लिया है और ये कुछ इस तरह बनके तैयार हुआ है। अब हमें गले की पट्टी बनाना है और शोल्डर की पट्टी बनाना है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।